अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज हम कमीज़ पे डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हम जलेबिया पे और मगरबी पे डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उसी तरह से हम कमीज़ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे नॉर्मल कमीज़ तैयार होती है, सिलाई होती है, उसी तरह से आप अपनी कमीज़ को तैयार कर लीजिए। बस मिडिल में आप इसके देखिए, नेक के ऊपर से लेके नीचे दामन तक आप इस तरह की बारीक सी सिलाई लगा लीजिए। तो इसी पर हम डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं साइडों में भी लाइन बनाना क्रोशिया से, तो आप साइडों में भी इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो इस पर भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। बारीक बारीक सी क्रोशिया से आप डिज़ाइन बना लेंगे ना, तो आपकी कमीज़ जो है बहुत ही प्यारी सी बनके तैयार होगी। तो अभी हम डिज़ाइन को यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो बीच में भी हम डिज़ाइन को बनाएंगे और नेक पे भी, पूरे नेक पे भी, राउंड पे भी डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं ले रही हूँ धागा जो है सिल्क का, दोनों सिल्क के धागे हैं। और ये जो है बड़े वाले धागे मैं यूज़ कर रही हूँ, जो बड़े वाले धागे होते हैं ना, तो उसके मैंने 5 लेयर करके बनाए हैं। और ये जो है छोटे वाले इस तरह से जो धागे होते हैं, इसके मैंने 4 लेयर करके बनाए हैं। और धागे जो है मैं 2 रंग के यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 रंग के ही धागे से डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन 2 रंग के धागे में डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो और ही प्यारी दिखेगी डिज़ाइन। तो इस रेड वाले धागे में मैंने गोल्डन बीड्स डाल रखी हैं, और इसमें मैंने बीट्स नहीं डाली हैं। इससे हम बेस लाइन बनाएंगे। तो हम अपनी क्रोशिया पे इस तरह से स्लिप नॉट बनाते हुए यहाँ नेक के ऊपर साइड से यहाँ से अटैच करेंगे। ये जो मोटा है ना हमारा सिला, तो यहाँ से हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 11.07 mm की। अगर ये क्रोशिया आसानी से नहीं जाए आपके कपड़े में ना, तो आप जो है 12 नंबर की या तो 14 नंबर की भी क्रोशिया से बेस लाइन बना लीजिए। बाद में आप चाहें तो क्रोशिया चेंज भी कर सकते हैं, नीडल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर 1, 2, 3 चैन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 चैन डबल क्रोशिया के साथ हमें बेस लाइन को पहले तैयार कर लेना है। मेरे भी कपड़े में आसानी से क्रोशिया नहीं जा रही है, मैं नीडल चेंज करके फिर उसके बाद बेस लाइन को तैयार करूंगी अभी, ठीक है। इसी तरह से आप बेस लाइन पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वाली नीडल से जब हम बनाएंगे तो इससे आसानी से ये कपड़े में जाएगी। इससे हम बेस लाइन बना लेंगे पहले, क्योंकि वो वाली नीडल आसानी से कपड़े में नहीं जा रही थी। देखिए कितनी आसानी से जा रही है ना, ये बहुत ही बारीक होती है, कपड़े में आसानी से जाती है। आप चाहें तो इसी से पूरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, चाहे तो आप नीडल को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप पहले बेस लाइन तैयार कर लीजिए 1 चैन डबल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ तक देखिए, मैं बीच वाली लाइन जो है यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ। ये नेक जो है बिल्कुल से राउंड, इसकी कटिंग नहीं हुई है, तो राउंड नहीं है ये नेक, तो यहाँ पे ये वी शेप में है। तो यहाँ पे हम वी शेप देते हुए बेस लाइन को बनाएंगे। अगर राउंड में होता तो आप चैन लेते हुए ऐसे पूरे पे बनाते जाते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बीच वाली जो सिलाई वाली लाइन है ना, तो उसके इस तरफ मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे चैन नहीं लेंगे, बगैर चैन लिए इस तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब चैन लेंगे और इस तरफ भी 1 चैन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में, जब बिगर चैन लेके बनाएंगे ना, यहाँ पे बिगर चैन के बनाएंगे तो ये वी शेप हमारा नेक का शेप बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह पूरे पे 1 चैन डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए, हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की बेस लाइन बन गई है ऊपर की साइड में। अभी हमें यहाँ पे बेस लाइन को बनाना है, ये वाली लाइन पे। तो हम यहाँ से बनाते हुए आएंगे तो ये वाली लाइन तक आएंगे।
तो क्योंकि हमें बाहर की साइड में बेस लाइन चाहिए डिज़ाइन को बनाने के लिए। अभी अंदर की साइड में बेस लाइन बनी है तो यहीं से हम शुरू करेंगे बाहर वाली बेस लाइन बनाना। 1 2 3 चेन लेके इस तरह से पकड़ना है हमें, इस तरह से करके, और यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी बाहर की बेस लाइन बनेगी। फिर एक चेन लेके बीच में जो भी स्पेस हैं, जितने भी स्पेस हैं, सब में बनाते जाएंगे एक चेन डबल क्रोशिया। ये देखिए कपड़े पे ही बना रही हूँ। दूसरी तरीके से भी बेस लाइन यहाँ पे आप बना सकते हैं, वो मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले बताया है। आप लोग जब दूसरी वीडियो देखेंगे ना, तो आप लोग उस वाली वीडियो को भी देख के बेस लाइन को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारी अंदर की बेस लाइन हो गई, ये बाहर की बेस लाइन बनेगी। तो इस पे हम डिज़ाइन को बनाएंगे, और इसके बाद में डिज़ाइन को बनाने के बाद अंदर की बेस लाइन पे बॉर्डर को बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाते हुए यहाँ तक पहले आना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ। बाद में इसको ऐसे प्रेस करते हुए इस पे अच्छे से जब प्रेस कर देंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी बेस लाइन। तो यहाँ मिडिल तक आ गई हूँ बनाते हुए। यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हम ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए बीच वाली ये सिलाई है ना हमारी, तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे और इस तरफ वाली लाइन पे, बीच वाली लाइन पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चैन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन डबल क्रोशिया बनाते हुए हम नीचे तक जाएंगे दामन तक। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये बीच वाला हिस्सा बनेगा इस तरह से। अब इस तरह से बनाते हुए इस तरफ की लाइन हम पूरी कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ नीचे तक बना ली हूँ बेस लाइन। अब यहाँ पे भी हमें इस लाइन पे भी दो तरफ बेस लाइन चाहिए ना, तो यहाँ पे ऐसे तीन चेन लेके 1 2 3 चेन लेके ऐसे पकड़ेंगे और डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। फिर एक चेन लेके अब जितने भी गैप दिख रहे हैं ना डबल क्रोशिया के बीच में, सब पे बनाते जाएंगे। क्योंकि दोनों तरफ हमें डिज़ाइन चाहिए, तो दोनों तरफ बेस लाइन भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ऊपर तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पे हम जैसे इस तरफ नेक के कॉर्नर पे बनाई हूँ ना, वैसे ही इस तरफ भी बनाएंगे। तो यहाँ तक देखिए ऊपर तक बनाते हुए आ गई हूँ ना। अब बना लेंगे कॉर्नर पे, जैसे इस तरफ बनाई वैसे इस तरफ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ऐसे बना के फिर एक चेन लेके, अब उसी तरह से एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे नेक हमारा सेट हो गया है। अब हम पूरे पे ऐसे एक चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ ऊपर तक बना लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी बेस लाइन कर लेती हूँ, फिर डिज़ाइन हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरी बेस लाइन हमारी बन के तैयार हो गई। अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे, यहाँ पूरा नीचे तक देखिए। अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं किया है, आप चाहें तो इसको प्रेस करके सीधी कर लीजिए बिल्कुल से, फिर उसके बाद डिज़ाइन को बनाना शुरू करिए, या तो आप डिज़ाइन को पूरी तैयार करने के बाद भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक
इस तरह से ऐसे सीधी करते हुए दोनों तरफ की बेस लाइन ऐसे प्रेस कर दीजिएगा तो ये बराबर से सेट हो जाएगी। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे डिज़ाइन बनाना। यहाँ से बाहर वाली जो बेस लाइन है ना इसमें अटैच करेंगे पहले वाले गैप में। इस तरह सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन लेके 1 2 3 4 चौथे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके तीसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन 3 गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से 9 चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन लेके 1 2 3 4 चौथे गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके तीसरे में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें जो है इस लाइन को बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए ये जो बीच वाली लाइन है ना नेक के मिडिल वाली लाइन, यहाँ तक मैं बनाते हुए आई हूँ इस डिज़ाइन को, इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया शुरू किया था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी 3 सिंगल क्रोशिया आई है इस कॉर्नर पे, जो है तीसरी सिंगल क्रोशिया बनी है। तो यहाँ पे आपकी कुछ अलग से भी आ सकती है क्योंकि आपकी बेस लाइन जितनी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी आ सकती है क्रोशिया। तो मेरी बेस लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बता दूँ कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। यहाँ पे जो है मेरी 61 डबल क्रोशिया की बेस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइन आई है। अगर आपकी कम ज़्यादा थोड़ी होगी तो यहाँ पे कुछ अलग से भी आ सकती है। आप कोशिश करिए कि इतनी ही आप बेस लाइन में क्रोशिया बनाएं ताकि आपकी डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से चेन लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 चौथे वाले में बनाएंगे। फिर एक चेन लेके दो गैप में और बना लेंगे। अब इसी तरह से बनाते हुए हमें नीचे तक के जाना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बनाते हुए नीचे तक आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी 1 2 3 4 5 5 गैप में ये सिंगल क्रोशिया बनी है क्योंकि यहाँ पे मेरी 2 डबल क्रोशिया ज़्यादा हो रही थी तो मैंने 2 में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे हम चेन लेते हुए 1 2 3 4 5 5 चेन लेते हुए अब इस तरफ की लाइन को बनाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेके इस तरफ भी हम 5 गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उस तरफ है ना 5 गैप में, तो इस तरफ भी 1 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरह से देखिए। यहाँ पे सीधी में बिल्कुल आनी चाहिए हमारी डिज़ाइन। अब हम चेन लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन लेके 1 2 3 4 चौथे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके तीसरे में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरफ की लाइन को भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बनेगी लाइन हमारी, दोनों तरफ सीधी हमारी डिज़ाइन आनी चाहिए। तो हम पूरी कर लेते हैं इस तरफ की भी लाइन को, फिर आगे देखते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ तक देखिए ये लाइन पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने धागे को कट करके निकाला नहीं है। मैं बैक साइड के नेक पे भी
पिकॉट बनाते हुए जा रही हूँ ताकि यहाँ तक हमें पहुँचना है, और बैक साइड के नेक में भी इस तरह से डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। तो ये तो आप लोगों को बनाना आते ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ बिगनर्स के लिए ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। 1 2 3 चैन लेके पिकॉट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चैन लेके, यहाँ पे आप 5 चैन जैसे मैं ले रही हूँ, आप ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। कितनी दूर दूर पे आपको बनाना है आप उस हिसाब से चैन ले सकते हैं। सिंगल क्रोशिया बना के फिर 1 2 3 चैन लेके इस तरह से पिकॉट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चैन लेके, 1 2 3 चैन लेके पिकॉट बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चैन लेके, फिर 1 2 3 चैन लेके पिकॉट बनाते हुए 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ तक आ जाना है, पहले यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह, और यहाँ पे अब हम इस चेन वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और साथ में मोती भी लगाएंगे। और चाहें तो साथ में आप इस धागे को भी कवर कर लीजिए, या तो बाद में आप पीछे साइड ले जाके इस धागे को छिपा दीजिए, लेकिन मैं साथ में कवर करते जा रही हूँ। 2 3 4 5 5 चैन लेके, सॉरी यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे मोतियों के साथ, फिर उसके बाद हम एक और मोती लगाएंगे ऐसे और पिकॉट बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 मोती का भी पिकॉट बना सकते हैं 3 मोती लगाते हुए, लेकिन मैं एक मोती का बना रही हूँ। और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बना के अब ये बीच वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ वाले चेन में बनाएंगे इसी तरह, 1 2 3 4 5 5 बना के, और फिर से हम एक मोती लगा के पिकॉट बनाएंगे इस तरह, फिर इसी में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 बना के अब ये बीच वाली सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ भी चैन में इसी तरह से बनाएंगे, तो हम इसी तरह से अपनी पूरी डिज़ाइन को बनाते जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ हमारी डिज़ाइन बनेगी, तो मैं पूरी करके ये बताती हूँ आगे। तो यहाँ ऊपर तक देखिए पूरी डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई, ऊपर तक बनाते हुए आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं धागे को कट नहीं करूँगी क्योंकि यहीं से हम घुमाते हुए जो आगे वाला बॉर्डर है ना, हम उसको भी बना लेते हैं। ये वाला बॉर्डर जो है इस पर अभी हमें बनाना है, तो यहाँ पे भी बना लेते हैं इस तरह अटैच करते हुए, ऐसे घुमा लेंगे कपड़े को। ये जो आगे वाली बेस लाइन है इस पर बनाएंगे बॉर्डर, पहले गैप में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे, फिर एक गैप को छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और साथ में बीट्स भी लगाएंगे ऐसे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर एक मोती लगा लेंगे, फिर ऐसे पिकॉट बनाएंगे, और फिर इसी गैप में 3 बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया।
वन टू थ्री, इस तरह इसमें छह डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर एक गैप को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक गैप को छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाएंगे छह बार। वन टू थ्री, फिर एक बीट से लगा के पिकॉट बनाएंगे, फिर तीन उसी में बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें बॉर्डर को बनाते जाना है। तो यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया है बॉर्डर को। ये बीच में जो है हमारा नेक का जो वी शेप है ना, यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला गैप है इसको हम छोड़ देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, और ये वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर इस तरफ एक गैप को छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया, उसी तरह से बनाते जाएंगे। बस बीच में जो है वी शेप देने के लिए इस तरह से बनाना है। अगर आपका राउंड नेक होगा तो आप पूरे पे वैसे ही बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए ये वी शेप बन जाएगा। अब इस तरफ ऐसे ही पूरे पे जैसे इस तरफ बनाई हूँ ऐसे इस तरफ भी बनाते जाएंगे। तो इस तरफ बनाते हुए मैं बॉर्डर को पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है ड्रेस बनके तैयार हो गई है, जो कि नाजुक सी दिख रही है और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने ड्रेस पे, जिस तरह से हम जलेबिया पे, मगरबी पे या गंदूरा पे बनाते हैं ना, उसी तरह से अपनी कमीज़ पे भी बना सकते हैं। तो आप लोग अपने ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब ये डिज़ाइन आप बना लीजिए ना पूरी, तो इस पर देखिए मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया, तो कितनी अच्छी डिज़ाइन सेट है ना। इस तरह से आप देखिए, पहले ये डिज़ाइन सेट नहीं थी। तो आप ऐसे रख के कपड़े को और इस पर अच्छे से पानी डाल दीजिए, पानी छिड़क के उसके बाद जो है ऐसे ऐसे दोनों तरफ की डिज़ाइनों को पकड़ के ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करिए, तो ये सेट होने लगेगी डिज़ाइन। जब आप सेट कर लीजिए इस तरह से पूरी डिज़ाइन, फिर इस पर अच्छे से आप प्रेस कर दीजिए, तो आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी सेट हो जाएगी, बहुत ही सफाई के साथ दिखेगी आपकी डिज़ाइन इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरह से मैंने जो देखी ये हाथ पे भी डिज़ाइन को मैंने बनाया है, तो हाथ पे किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस पे तो एक लाइन में डिज़ाइन को ख़त्म कर दिया ना। तो हाथ पे आप बनाएंगे तो ज़्यादा लाइनें बनाएंगे, तो मैंने इस पे तीन लाइनें बनाई हैं। और आप तीन लाइनों के अलावा आप और भी लाइनें बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है बनाने का, कि एक के बाद अगर दूसरी लाइन बनाएं तो किस तरह से बनाएं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।